Dear student, I am Mandeep, your SST teacher from Shri Guru Tegh Bahadur Senior Secondary School, Ding Road, Sirsa. Dear student, today we are going to start our next chapter, Climate. बेटी climate क्या होता है? इसको बोलते हैं हिंदी में जलवायु. तो जलवायु किस टाइप की, हमारी कौन सी फसल के लिए कैसी जलवायु हमें सही रहती है? जैसे फर्स्ट बेटी, अब इसमें आप इंपॉर्टेंट टर्म्स है बेटी, इसकी फर्स्ट टाइप है इसमें वेदर. वेदर, वेदर क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं मौसम. इट रेफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट टू ऑफ टाइम. ये किसी क्षेत्र में किसी विशेष समय पर वातावरण की दशा को कहा जाता है. कि मौसम किसको कहा जाता है? कि किसी क्षेत्र में विशेष समय पर वातावरण की दशा को मौसम कहा जाता है. रेंज ऑफ टेम्परेचर, डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम रिकॉर्डेड टेम्परेचर. ये हमारा रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? कि अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान का जो रिकॉर्ड किया जो रिकॉर्ड किया जाता है उसका जो डिफरेंस होता है. नेक्स्ट चैप्टर है प्रीस्पेशिएशंस, द वाटर दैट फॉल्स टू द अर्थ फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ रेन स्नो हेल ड्यू एटसेट्रा. वातावरण से क्या है, धरती पर वर्षा बर्फबारी ओलों ओस आदि के रूप में जो जल गिरता है उसको हम बोलते हैं वर्षण बोलते हैं, इसका हिंदी मीनिंग है वर्षण. नेक्स्ट आपकी जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम्स क्या होती है? जेट वायु धाराएं, द फास्ट ब्लोइंग एयर करंट्स इन द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. ये वातावरण की ऊपरी परत पर बहने वाली हवा की जो हमारी तेज धाराएं होती हैं. नेक्स्ट है बेटे मॉनसून, इट इज़ ड्राइव फ्रॉम अरेबिक वर्ड मौसम. मॉनसून रेफर्स टू द सीजनल रिवर्सल इन द वाइंड डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर. ये क्या है? अरबी भाषा का शब्द है, मौसम से लिया गया है. और मानसून का क्या अर्थ होता है? कि वर्ष भर में क्या हवा की दिशा में आने वाला मौसमी बदलाव, जो कि हवा की दिशा में क्या मौसम में बदलाव होता है उसको मानसून कहा जाता है. नेक्स्ट आपका है लू, इट इज़ अ लोकल वाइंड विच ब्लोज ड्यूरिंग द हॉट सीजन इन नॉर्थ इंडिया. लू क्या होती है? स्थानीय क्या हवा होती है जो उत्तरी भारत में क्या है ग्रीष्म ऋतु में बहती है. जब गर्मी की ऋतु होती है तो उत्तरी भारत से क्या है लू बहती है, उस हवा को क्या कहते हैं लू कहा जाता है. साइक्लोन होते हैं एन एरिया ऑफ लो प्रेशर. साइक्लोन को हिंदी में बोलते हैं बड़े चक्रवात, निम्न दबाव का एक क्षेत्र होता है. नेक्स्ट आपका इसमें ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ए रिलेटिवली हाई टेम्परेचर ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर एंड प्रीडोमिनेंटली ड्राई विंटर. अपेक्षाकृत क्या होता है, इसको ट्रॉपिकल क्लाइमेट को हिंदी में बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय जलवायु. कि अपेक्षाकृत पूरे वर्ष में उच्च रहने वाला तापमान तथा मुख्य शुष्क सर्दियाँ, कि जिसमें जो होता है मौसम क्या होता है शुष्क होता है. नेक्स्ट है अक्टूबर हीट. अक्टूबर हीट क्या है बेटे? इट इज़ द कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ड्यू टू विच द वेदर बिकम्स ओप्रेसिव हार्ड टू बियर. हार्ड टू बियर क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगी. अक्टूबर हीट बेटे क्या है, ये हमारी होती है अक्टूबर हीट कहा जाता है कवार की उमस. ये क्या उच्च तापमान तथा उमस की अवस्था होती है जिसके कारण जलवायु कष्टकर बन जाती है. कि जो इसे ना आपका हार्ड टू बियर है, हार्ड टू बियर होता है असहनीय, जिसको हम सहन नहीं कर सकते. क्योंकि क्या होता है कि जब उमस भरा वातावरण होता है उसमें क्या सारी बॉडी का चिपचिपी हो जाती है. तो इसको क्या जिसको हम सहन नहीं कर सकते, हार्ड टू बियर असहनीय होती है ये. नेक्स्ट आपका एक्सट्रीम क्लाइमेट, द क्लाइमेट इन विच द समर इज एक्सट्रीमली हॉट एंड द विंटर इज क्वाइट कोल्ड. एग्जाम्पल राजस्थान एंड साउथ वेस्ट पंजाब. कि ऐसा जलवायु, ये एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है अति विषम जलवायु, ऐसा जलवायु जिसमें ग्रीष्म अति गर्म और सर्दियां भयानक सर्द होती हैं, जैसे राजस्थान तथा दक्षिण पश्चिमी पंजाब. कि जो गर्मी की ऋतु वो बहुत गर्म होती है और जो सर्दी होती है वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है वो ऋतु. तो ये राजस्थान तथा दक्षिण पश्चिम इस पंजाब इसके एग्जाम्पल है. नेक्स्ट है बेटे आप इसमें ट्रेड वाइंड्स, ट्रेड्स वाइंड्स होती है हमारी व्यापारिक पवने. ट्रेड वाइंड्स आर दोस विच ब्लो स्टेडली इन द सेम डायरेक्शन एंड ऑन द सेम कोर्स. एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट ट्रेड वाइंड्स. कि व्यापारिक पवन वह होती है जो धारा के साथ साथ उसी दिशा में क्या सहज रूप से बहती है. नेक्स्ट है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये होता है हमारे पश्चिमी विक्षोभ. शैलो साइक्लोनिक डिप्रेशंस ओरिजिनेटिंग ओवर द मेडिटेरेनियन सी एंड डिस्टर्बिंग फाइन वेदर कंडीशन इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया. कि भूमध्य सागर के ऊपर से क्या हल्के चक्रवात की जो गहराई से उठने वाली भारत के उत्तरी पश्चिमी भागों की जलवायु दिशाओं को प्रभावित करने वाली ये क्या बाधाएं होती हैं. नेक्स्ट आपका है विंडवर्ड साइड, द साइड ऑफ द माउंटेन वेयर मॉइस्चर विंड्स स्ट्राइक एंड ब्रिंग हैवी रेन. एग्जांपल मॉनसून
which arrives from the Arabian Sea and the strike the Western Ghats causing heavy rainfalls. पवना विमुख ढाल, पर्वत की वह दिशा जहाँ आर्द्र हवाएं क्या टकराकर क्या करते भारी वर्षा करती है. एग्जाम्पल है अरब सागर से उठकर या पश्चिमी घाटों से टकराने वाली मानसून हवाएं भारी वर्षा करती है. नेक्स्ट आपका लीवार्ड साइड, लीवार्ड साइड होते हैं पवन विमुख ढाल. द साइड ऑफ द माउंटेन विच रिसीव्स लेस रेनफॉल, कि पर्वत का वह भाग जो बहुत क्या है कम वर्षा करवाता है. नेक्स्ट आपका इसमें रेन शेडो, दृष्टि छाया. द रेनलेस एरिया ऑन द लीवार्ड साइड, कि अनुवात पार्श्व का जो वर्षाहीन क्षेत्र होता है उसको रेन शेडो बोला जाता है. नेक्स्ट है ब्रेक ऑफ बर्स्ट ऑफ मानसून, कि द सडन अप्रोच ऑफ द मॉइस्चर लेडन वाइंड्स विच आर एसोसिएटेड विद वायलेंट थंडर एंड लाइटनिंग, कि अचानक आर्द्रता वाली पवनों का आना जो भारी गर्ज और चमक के साथ संबंधित होती है. नेक्स्ट आपका है कैचमेंट एरिया, द एरिया फ्रॉम विच द रिवर ड्राइव्स इट्स वाटर्स फ्रॉम द हिल्स, कि वह क्षेत्र जहाँ नदियाँ क्या पहाड़ों से अपना जल ग्रहण करती हैं. नेक्स्ट है इक्वेबल क्लाइमेट, इट इज़ वन विच इज़ नाइदर टू हॉट इन समर नॉर टू कोल्ड इन विंटर. एग्जाम्पल द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल रीजन्स, कि ऐसे जलवायु जो न गर्मियों में गर्म और न ही सर्दियों में अधिक सर्द होती है. एग्जाम्पल कौन सा तटीय क्षेत्र की जलवायु. नेक्स्ट आपका टाइफून हाई, वायलेंट रिवॉल्विंग स्टॉर्म, प्रचंड तूफान, घातक रूप से चलने वाला क्या है वो उसको क्या, जो चीज़ जो हमारी हवाएं जो बहुत ज़्यादा तेज़ गति से बहती है घातक रूप से चलती है उसको क्या कहा जाता है, उसको तूफान कहा जाता है. यह तूफान वायलेंटली रिवॉल्विंग स्टॉर्म, तूफान क्या होता है कि जो घातक रूप से चलने वाला क्या होता है वो तूफान होता है. तो ये बेटे आपका है क्लाइमेट लेसन का, तो आपने इसको अच्छे से बेटे देखना है. दोबारा से कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपसे फिर दोबारा से डिस्कस करूँगी. तो आज मैंने आपको इसको इंट्रो बताई, इसकी जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है, किसी वेदर होता है, रेंज ऑफ टेम्परेचर्स होती है, लीवर्ड साइड्स होती है और तूफान वगैरह के बारे में बताया है. तो इसको आपने अच्छे से बेटे रीड करना है. थैंक्स बेटे, हैव ए नाइस डे.